गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो देखो, ए कंप्यूटर A computer has many parts. एक जो आपका कंप्यूटर है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। All these parts work together. ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। All these parts work together. ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जैसे एक ह्यूमन बींग की बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उसमें भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ही काम। हाथ क्या करते हैं, आपको कितने सारे जो आपके हैंड्स होते हैं वो कितने सारे काम करने में आपकी हेल्प करते हैं, खाना खाने में, लिखने में, ड्राइंग बनाने में, कितने सारे काम में हेल्प करते हैं। पांव क्या करते हैं, चलने में, एक्सरसाइज करने में, ठीक है, आप डांस करते हो तब भी हेल्प करते हैं ना। वैसे ही जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं। ए कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट का मतलब होता है भाग, ठीक है। ऑल दीज पार्ट्स ऑफ वर्क टुगेदर, और ये जो पार्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट important parts of the computer आपका जो ये कंप्यूटर है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन से हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो, मॉनिटर क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें आउटपुट को शो करता है। फिर है सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, ये जो भी आपका काम है, जो भी आप इनपुट देते हो उस पर प्रोसेसिंग का काम करता है। फिर है कीबोर्ड, कीबोर्ड का क्या यूज है, कीबोर्ड का यूज करकर आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। माउस क्या करता है, माउस कंट्रोल कर सकता है, क्लिक कर सकता है, ठीक है। और प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, आपकी जो भी वर्क है उसको एक पेपर में प्रिंट आउट करके आपका जो भी रिजल्ट है उसको आपके सामने शो कर सकता है। अब देखो, हम पढ़ते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, क्या है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू क्या काम आता है और क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्योंकि आप जो भी इनपुट देते हो ये सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस होता है, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, फिर आपका आउटपुट जो रिजल्ट है वो तैयार करता है। तो देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म है
वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके फुल फॉर्म है किसके, सीपीयू। अब देखो सीपीयू, सीपीयू क्या है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। एक जो आपका कंप्यूटर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा ब्रेन है ना, वैसे ही कंप्यूटर का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। इट इज ऑल्सो नॉन, इट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन, ये जाना जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये किस चीज के लिए जाना जाता है कि ये कंप्यूटर क्या क्या है, ब्रेन है, दिमाग है। फिर देखो इट हेल्प्स, ये क्या हेल्प करता है, हेल्प्स द कंप्यूटर, इट हेल्प द कंप्यूटर टू डू ऑल द टास्क, ऑल द टास्क। ये देखो इट हेल्प्स, ये मदद करता है किसकी, कंप्यूटर की, टू डू ऑल द टास्क, जो भी काम होते हैं उनको करने के लिए क्या करता है ये कंप्यूटर की हेल्प करता है। सीपीयू हैज थ्री मेन पार्ट, CPU has three main parts, CPU के तीन main parts होते हैं, ठीक है। They control all the other parts like the monitor, like the monitor, keyboard, monitor, keyboard, mouse and printer. We have to connect, we have to connect all these parts of all these parts to the CPU using wire. देखो सीपीयू हैज थ्री मेन पार्ट, सीपीयू के तीन मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। दे कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स
लाइक द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। और जो तीन पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऑल अदर जो पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स होते हैं जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, वो उन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं। फिर है वी हैव टू कनेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऑल दीज पार्ट्स टू द सीपीयू यूजिंग वायर्स। वायर्स का यूज करके हम इन पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो ये फुल फॉर्म है इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।